تۄہہِ چھُ یِمن کیمراہَس ڈِسپٕلے کِنۍ اَتھِ لایٹ حظ کَم اَتھ تھوڑا. مےٚ چھِ بیٚیہِ منٛز کَران کَتھ اَتہِ कि इसमें ज़्यादा कास्ट भी नहीं लगता है और इनको हम बोलते हैं ये हमें टेक्निकल नॉलेज भी देते हैं. इससे यही फ़ायदा होगा कि हम ऑर्गेनिक खेती बना सकते हैं जिससे हमारे हम लोगों का सेहत इम्प्रूव हो जाए. क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन हमारे ऐसे डिजीज आ रहे हैं कि एक रिपोर्ट आई है WHO से भी एक रिपोर्ट आई है कि जो हम बहुत ज़्यादा हमने यूज़ खाद यूज़ कर चुके हैं इससे हम एडवर्सली इफेक्ट हो रहे हैं हमारी हेल्थ एडवर्सली इफेक्ट. इसी को ध्यान रखते हुए हम एक कल्चर चला है कुछ सालों से जिसको हम ऑर्गेनिक कल्चर बोलते हैं. उस ऑर्गेनिक में हम कोई केमिकल खाद यूज़ नहीं जैसे इनऑर्गेनिक कोई खाद जैसे NPK वगैरह कुछ यूज़ नहीं करते. उसको प्रमोट ज़मीन को अच्छी रखने के लिए इसमें अच्छी पैदावार करने के लिए हमारे पास जो ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट है यूनिवर्सिटी ने एस्टैब्लिश किया है. यहाँ पर ही नहीं बहुत सारे हमारे यूनिट यूनिवर्सिटी के अंदर मानसबल में भी है शोहामा में भी है वाडूरा में भी है. ये हमारा एक कंसेप्ट यहाँ हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर जो पहले भी थे और जो प्रेजेंटली ऑनरेबल वाइस उनका भी एक यही था कि हम एक ऑर्गेनिक ब्लॉक यहाँ डेवलप करें एक ऑर्गेनिक जो स्टेट है या UT है इसको हम बना पाए. अगर कोई भी इसको लगाना चाहे हमसे हमारे पास टेक्नोलॉजी लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है. अगर आप इस तरफ देखें ये कुछ सिर्फ टीन और इंग्लैंड का बना हुआ है कोई हाईटेक इसमें नहीं बना हुआ है. अगर वो टेक्नोलॉजी हमसे लेना चाहे जो वर्म्स है वो हमसे लेना चाहे और अगर कोई ज़मींदार भाई इससे कोई अपनी पैदावार करना चाहे अगर वो डायरेक्टली हमसे वर्मी कंपोस्ट वो भी ले सकता है और इसकी एक अच्छी मार्केट है और अलग सी मार्केट है. अगर आपका टमाटो या चिल्ली 20 रुपये KG बिकता है ये ऑर्गेनिक अगर आप उसको एक ऑर्गेनिक मार्केट में भेजें तो यही टमाटो आपको ऑर्गेनिकली जो हमने ग्रो किया है अराउंड 50-60 रुपीज़ चला जाएगा.